हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट लगातार परेशान होते जा रहे हैं जब से ही रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और आंसर किए आए हैं कि आखिर वो कैसे 150 क्वेश्चंस को मैच करें, क्या एक आसान तरीका उनके लिए हो सकता है। तो वो सब चीज़ आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा। लैपटॉप में किस तरीके से करेंगे, मोबाइल में किस तरीके से करेंगे, सब चीज़ की बात मैं आपके साथ में करूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल आप तक पहुंच जा सके। यहाँ पर डियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि देखिए, आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। ये मैं लैपटॉप के अंदर पहले दिखा देता हूँ, बाद में मोबाइल वाला भी दिखा दूंगा। सबसे पहले लैपटॉप में आपने अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लिया, साथ में आंसर की वाला भी आप जो सेक्शन है वो खोल के रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये 29 सितंबर का एक पेपर है। यहाँ पर देखिए 2590 का एक हमारे पास में है, तो हमने यहाँ पर कंट्रोल एफ किया, उससे हमारे पास में राइट साइड में ऊपर देखिए खोल वो आ जाएगा। यहाँ पर 2590 लिखा मैंने, तो देखिए सीधा सीधा मेरे को एंटर भी दबाने की जरूरत नहीं थी, ये मेरे को राइट साइड में जो है ना वो इसने बता दिया है, देखो 2590। अब ये वाला जो कॉलम होगा वो सही आंसर वाला होगा कि भाई 10360 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये कोड है। अब आपने वापिस से उसी टैब के अंदर जाना है, जिसके लिए आप कंट्रोल टैब दबा लीजिए। कंट्रोल टैब से आप उसी विंडो में जो वो टैब आपका क्वेश्चन पेपर का है वो खुल जाएगा। दो ही टैब खोल के रखना आप अपने पास में कंप्यूटर में, दो ही टैब खोल के रखना। एक तो आपका क्वेश्चन पेपर का टैब हो जाएगा और दूसरा टैब आपका इसके साथ में हो जाएगा आंसर की का। और इन दोनों के बीच में आपस में स्विच करने के लिए माउस की भी जरूरत नहीं है आपको। कंट्रोल टैब CTRL आप लोगों के लैपटॉप में होगा, CTRL के साथ में आपको टैब दबाना है जी, टैब। ये दोनों बटन अगर आप साथ साथ में दबाते रहते हैं, कंट्रोल टैब, तो आपस में एक दूसरे में शिफ्ट होता रहेगा। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कंट्रोल टैब दबा रहा हूँ मैं, बार बार कंट्रोल दबा के रखा है, टैब को बार बार दबा रहा हूँ, ये आपस में शिफ्ट हो रहा है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर आप देखिए 10360, फिर आप इसमें नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे की और जाकर देखेंगे तो आप देख लेना आपने क्या आंसर दिया था। ये करेक्ट ऑप्शन आंसर गिवन जो है वो 10360 आपने दिया था, तो एक नंबर आपका बन गया। कॉपी के अंदर एक लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगले के ऊपर गया 2588, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का कोड देख लिया, फिर मैंने यहाँ पर अल्टरनेट टैब किया, यहाँ पर लिखा 2588 और यहाँ पर 2588 तो कह रहा है 10352। फिर मैंने इसको यहाँ पर देखा अल्टरनेट टैब सॉरी कंट्रोल टैब करके नीचे की ओर जाकर देखा, तो जी हाँ बिल्कुल यही वाला आंसर यहाँ पर भी एक ही बनता। इस तरीके से यहाँ पर एक और नंबर, फिर आगे की ओर 2586, 2586 के लिए यहाँ पर फिर से मैंने किया 2586 और इसने मेरे को बता दिया 10342। फिर नीचे की ओर जाकर देखा, यहाँ पर आके 10342, फिर आगे की ओर जाकर देखा। इसी तरीके से कॉपी के अंदर लिखते रहिए 2587। वैसे इसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, अगला ही था 2586 के नीचे वाला ही था, 2587 सर्च करने की जरूरत नहीं थी, वैसे थोड़ा बहुत आपको चढ़ेगा। यहाँ पर देखिए 10347, फिर यहाँ पर जाकर हमने देखा 10347 हमारे को देखने को मिल रहा है, जी हाँ हमने 10347 ही कर रखा है। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स जो है वो काउंट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ में बात कर देता हूँ कि मोबाइल में आप किस तरीके से बेसिकली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये मोबाइल में आपने इसको डाउनलोड कर लिया, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि भाई क्या क्वेश्चन का कोड था, ये मतलब क्वेश्चन पेपर क्या, ये आपके आंसर की है कि इस क्वेश्चन में ये आंसर आएगा। और उसी के साथ में आपको यहाँ पर ये मैं आपके लिए वो खोल के रखता हूँ कि यहाँ पर आप साइड में जो तीन डॉट आपको देखने को मिलते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए फाइंड इन पेज का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फाइंड इन पेज का शेयर के जस्ट नीचे। तो वो फाइंड इन पेज वाला वही कंट्रोल एफ की कमांड जैसा काम करेगा। यहाँ पर इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके लिए ऊपर सेक्शन खुल जाएगा, वहां पर आपको कोड लिखना है। और जैसे ही आप कोड लिखेंगे, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर आपने देखना है, यहाँ पर भी फाइंड इन पेज कर लेना, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन क्रमांक है आपका वो यहाँ पर फाइंड इन पेज के अंदर लिखेंगे, वो आंसर की के अंदर दिखा देगा। मोबाइल के अंदर तो स्विच करना वैसे ही आसान है, आप लोग जानते ही है, वो लैपटॉप का कम यूज करते हैं स्टूडेंट, तो उनको स्विच करना थोड़ा सा कमांड बताना पड़ा। मोबाइल के अंदर तो एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना आपके लिए आसान ही है। तो ये मोबाइल का तरीका भी था। आई होप कि ये तरीका आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, यही एक बेहतरीन तरीका था। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अगर आपने अपने क्वेश्चन पेपर को हमें व्हाट्सअप नहीं किया है तो जरूर आप अपने क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सअप कर दीजिए। जल्दी हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपके साथ में डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन जो है वो चैलेंज किए जा सकते हैं। उन सब चीज की सहायता के लिए भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को हमें व्हाट्सअप जरूर करें। 8114476310 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप जो है वो हमें अपने क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सअप जरूर कर दें, जो बैच का है जो बैच का नहीं है कोई भी हो वो जरूर अपने क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सअप करके हमें जरूर रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी की सहायता के लिए ये जरूरी है।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि वो भी इस आसान तरीके को अपना सके, देख सके, समझ सके और अपनी मेहनत को यहाँ पर बचा सके। इस वीडियो में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।